हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आ चुका हूँ के भैया की लड़की की सगाई है सिवान आंदर वाले रोड में, वृंदा हेरिटेज होटल है वहीं पर, और भैया की लड़की की शादी हो रही है बीके सिंह के लड़के से। तो व्यवस्था जो है ना, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। खाना के लिए इतना आइटम है, मतलब सिर्फ स्टार्टिंग का 10-12 आइटम है। जब आप शुरू में आ रहे हैं, मतलब शुरुआत में ही आपको 10-12 आइटम जो शुरू करना है, और सब लोग ले लेके खड़े हैं, भैया इसको खाते जाओ, और इतना खाएंगे 55-60 आइटम है सिर्फ खाने वाला। तो ये रहा दोस्तों होटल, को यहाँ सामने से इंटर होना है। जो वहाँ पर दो लड़की खड़ी है, सबके स्वागत में फूल वगैरह फेंका जा रहा है। देखो भाई लोग चल रहा है, सब तो देखो सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, भैया भी नीचे आ चुके हैं, बोले चल रहा हूँ बिल्कुल ऊपर। ये देखो, ये डॉक्टर साहब भी पहुँच चुके हैं, रसगुल्ले सबको दिए जा रहे हैं। हम लोग बैठेंगे, बाकी अंगूठी वाला रसम उधर चलेगा, और इसके ऊपर भी व्यवस्था है। ये लोग तो देख सकते हैं भैया, के भैया के सुरक्षा में तैनात उनके पर्सनल बॉडीगार्ड लोग, जो उनके सुरक्षा में सभी लोग रेडी हैं, भैया कहीं से कोई किसी भी प्रकार की चूक ना हो पाए उसके लिए। यहाँ पर सिर्फ फैमिली के लोग, मतलब आना है वो फैमिली के लोग जो रहते हैं भाई लोग, हम लोग वहाँ पर बैठे हैं जहाँ पर सगाई वाला काम होगा, और अब यहीं पर रुकते हैं क्योंकि ऊपर सब लोग आराम वगैरह कर रहे थे। जब वो लोग यहाँ नीचे आने वाले हैं तो मैं पहले ही अपनी जगह पर बैठ चुका हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपको तो पता ही है सोनू भी अभी शादी में है। एक और गाइस ब्लॉगर मिल चुके हैं हमको। गाइस देखो, एक और ब्लॉगर नीचे, आवाज जा रही है बहुत खतरनाक वाली, और अभी ना पड़ेगा इधर से। चलो गाइस, जैसे इतनी ब्लॉगिंग होगी, मैं हाथ धो रहा है बहुत, ठीक है, मैं अपने हाथ को पकड़ के ब्लॉग बना रहा हूँ। गाइस चलो सोने कैसे मिलते हैं। यहाँ पर सभी लोग बैठे थे, तब तक कुछ देर में भगदड़ मच गया, मतलब कि सादा चल रहा था, और तब तक यहाँ पर चिकन भुजा हुआ चलने लगा, फ्राई चिकन लोगों ने देने। तो जो शाकाहारी खाने वाले थे वो भाई उठ के धीरे से निकल लिए कि बाप रे बाप, चलो यहाँ से अब बैठना ठीक नहीं है, यहाँ पर भीड़ दूसरे चीजने वाली है। अब आपके खाने का आइटम भैया यहीं से शुरू होता है। अगर आपको जलेबी खाना है, रसगुल्ला खाना है, या फिर पानी पूरी खाना है, या फिर दही बड़ा खाना है, और ये सब आइटम देखो यहीं से लगा है, मतलब आप यहाँ से शुरुआत करिए, और ये बहुत लंबा चलने वाला है। मतलब आप लोग ये मत समझो कि भैया यहीं पर ख़त्म होने वाला है, ये बहुत लंबा चलने वाला है। ये चाट है, यहाँ पर देखो पास्ता वगैरह सब बना रहे हैं कि जिसका जो दिल करे भैया वो खाता रहे। और खाने का आइटम यहाँ से शुरू, आप प्लेट उठाइए और यहीं से आइटम को अपने प्लेट पर रखना शुरू कर दीजिए जितना आपका दिल करे। और आइटम तो भैया चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके थाली में अगर आप सोचो कि भैया एक ही बार में मैं सब ले लूँ तो ये संभव नहीं है। यहाँ पर आइसक्रीम, फालूदा और फल वगैरह है, कॉफ़ी है, जो भी आपका दिल करे पान वगैरह खा सकते हैं। और यहाँ से शुरू होता प्लेट, आप वहाँ से ले लीजिए, यहाँ से आप खाना लेना शुरू कर सकते हैं। ये सादा खाना खाने वालों के लिए, जिनको सादा खाना खाना है, दाल है, पूड़ी है, सब्जी है, पनीर है, पुलाव है, मतलब मैं खुद नहीं जानता यार क्या क्या चीज़ की सब्जी बनी है, इतना ज़्यादा आइटम
बना था। ये जो एरिया है ये सादा खाना वालों के लिए है, जिनको मांस मछली नहीं खाना है यहाँ तक आप सादा खाना खा सकते हैं। जो लंबी लाइन देख रहे हैं भैया, बहुत बड़ी और बहुत डेंजर लाइन, तो समझ जाइए यहाँ पर मीट मछली अंडा मतलब सभी चीज़। ये नहीं कि मैं आप मीट खाना चाहते हो तो खा सकते हो, मछली खाना चाहते हो मछली खा सकते हो, यार सब खाना चाहते हो तो भैया कोई रोकने वाला नहीं है, आप निकालना शुरू करो जो भी आपका दिल करे, मीट खाना हो मछली खाना हो अंडा खाना हो जो भी आपका दिल करे। और मछली की अलग अलग वैरायटी बनी है, मीट की आपकी 2-3 वैरायटी मिलेगी। था और ऊपर खाने वाला सब आइटम चल रहा है लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था, मतलब मुझसे गाइस हम लोग फिर मिल गए आज के भैया की लड़की की सगाई में। हम मंगन है ऊपर ही सब कर रहा है सब खा लिया से तो सच, मैं ऊपर ऊपर वाला खा रहा हूँ, अभी खाना नहीं खाया, खाना कुछ देर रुक के खाते हैं कि तुरंत खाना खाने में मज़ा नहीं आएगा, फिर यहाँ आने से फ़ायदा क्या है, अभी ऊपर ऊपर सब हर चीज़ खा ली है और खाना खाते हैं आधा घंटा बाद, तब तक चलते हैं आगे। भैया ग्रैंड वेलकम शुरू हो चुका है और ये के भैया के बड़े लड़के और ये लोग अब स्टेज तक जा रही हैं जहाँ तो सगाई वाला कार्यक्रम हो रहा है और सभी लोग ये जूनियर के सिंह बिल्कुल नेक्स्ट लेवल के मस्त रहने वाले बिंदास और आदित्य भाई, तो सभी लोग जा रहे हैं, प्रेम भैया भी पीछे से बिल्कुल धीरे धीरे करके सब लोग स्टेज की तरफ। और मैं दिखाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर, लोग काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हुए हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम सब चल रहा है। दामाद और बेटे से मिलने लड़के अब हो रही है स्टेज की तैयारी, धीरे धीरे करके स्टेज की तरफ सब कैमरामैन भैया अपना अपना पोज ले रहे हैं और स्टेज पर अब चल रही है। धीरे धीरे स्टेज की तरफ कैमरा वाले तो भैया अपना अपना फुटेज लेने के लिए सब लोग रेडी है, मैं सबसे पीछे खड़ा हूँ क्योंकि भैया मुझे भी अपना फुटेज लेना है, तो मैं भी अपने काम में लगा हूँ, सब लोग अपने काम में लगे हैं, फोटो वगैरह क्लिक हो रहा है। बहुत खुशी का माहौल था, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और जोड़ी तो भैया लाखों में एक है, तो अब आप कैमरे में सबको एक, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं भैया सगाई वाला कार्यक्रम शुरू हो चुका है और भीड़ पूरा हो चुका है। अब ये देखो बहुत अच्छा नज़ारा है, होटल तो भैया बहुत ज़बरदस्त था जिसके बारे में जितनी प्रशंसा की जाए कम है और बहुत मस्त मज़ा आ रहा है खूब। हेलो
चल रहा है तब मैं चल रहा हूँ खाना खाने के लिए, तो मैं सोचा कि अब घर काम हो गया है मेरा, तो मैं चल के खाना वगैरह खा लेता हूँ। खाना खाने के लिए मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो मैं खाना खा के निपट लिया। अब तो कुछ देर कहीं बैठा जाएगा, क्योंकि दबा के खाना खा लिया हूँ। अब चल रहा हूँ जहाँ सगाई का रस्म हो रहा है, कुछ देर वहीं पर बैठेंगे, उसके बाद तो फिर कार्यक्रम हो ही जाएगा। कार्यक्रम वगैरह जो भी था वो सब खत्म हो गया। अब हम लोग निकलेंगे घर, और बज रहे हैं 10:30। ऊपर कुछ लोग खाना वाना खा रहे हैं, 2-4 लोग और हो जाएंगे गाड़ी में, उसके बाद हम निकल जाएंगे। तो मतलब समझ लो कि यहाँ से घर ही चलना है। और कार्यक्रम आज का बहुत अच्छा गया, खाना पीना सब बहुत मस्त था और मज़ा आ गया। तो मिलते हैं यारों दूसरे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।